ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। एपिसोड नंबर आज हमारा है, एपिसोड इज 26 एंड क्वेश्चन नंबर इज 59, राइट। सो 59 क्वेश्चन से लेकर के 62 तक के क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे। मैंने कहा था आपको चार क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, बट आपने नहीं किए होंगे, तो एक बार हम लोग साथ में कर लेते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था पास्ट एडजस्टमेंट, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ 59 नंबर का क्वेश्चन। देखिए जी, 59 क्या कहता है, राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। तीनों की कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रिएटेड टू देम एट द रेट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। समझो, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उन्हें 9% क्रेडिट कर दिया, हमें क्रेडिट कितना करना था 10%। देखो, इंस्टेड ऑफ के बाद जो परसेंटेज गिवन होता है वो होता है राइट परसेंटेज, मतलब जो हमें देना था एक्चुअल में, और इंस्टेड ऑफ से पहले जो परसेंटेज गिवन होता है वो होता है रॉन्ग परसेंट, लाइक जो हमने बाय मिस्टेक दे दिया। सो आपके पास दो चीजें हैं, दो अल्टरनेट हैं, या तो आप 9% टेकन बैक करके 10% जो है वो वापस क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो, या दोनों का डिफरेंस 1% आप प्रोवाइड कर दो, राइट। सो क्वेश्चन इज क्लियर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। ओके, सो इस क्वेश्चन में आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट टेकन बैक कर भी सकते हैं, आप चाहो तो प्रॉफिट टेकन बैक ना भी करें, बिकॉज प्रॉफिट आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, राइट। अगर हम प्रॉफिट टेकन बैक करके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी मैच होगा, और प्रॉफिट टेकन बैक किए बिना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व होगा, राइट। मैं पहले आपको प्रॉफिट टेकन बैक करके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जब मैं प्रॉफिट टेकन बैक करूंगा तो मैं वहां पे 9% जो इंटरेस्ट है वो भी टेकन बैक करके फिर 10% इंटरेस्ट जो है वो हम लोग देंगे। आपको दिखेगा कि कितना बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, बट देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट, एंड क्वेश्चन आंसर 59 to 62 आज हम कंप्लीट करने वाले। क्वेश्चन 59 सेज देयर आर थ्री पार्टनर्स, राइट। राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम और मोहन तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसका स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल बनाना है। राम श्याम एंड मोहन, देखिएगा जी, एक आपके पास फर्म का कॉलम होगा, फर्म का कॉलम बाय डिफॉल्ट बनाना है फर्स्ट राम, देन श्याम एंड देन मोहन। ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। मैं आपको दो अल्टरनेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। मैं पहले अल्टरनेट नंबर 1 लिख रहा हूं, यहाँ पे इधर पर्टिकुलर आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, राइट। फर्स्ट ऑल्टरनेट इज कि हम प्रॉफिट को टेकन बैक करें, जो बाय मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 9% के अकॉर्डिंग पे कर दिया है उसे टेकन बैक करें, फिर हम लोग राइट इंटरेस्ट 10% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करें, राइट। देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट टेकन बैक। देखिए, प्रॉफिट टेकन बैक करना कंपलसरी नहीं होता है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट जहां जिन क्वेश्चंस में आपने रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वहां टेकन बैक करना कंपलसरी हो जाता है। सो क्या होता है कि बच्चे जनरली, आप लोग जो है वो कंफ्यूज आते हैं, सर कब प्रॉफिट टेकन बैक करें और कब नहीं करें, राइट। तो अगर आप हर केस में प्रॉफिट टेकन बैक भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम मैच होना है, राइट। सो देखिए, आपके पास आ गया प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक का अमाउंट आ रहा है हमारे सामने, देखिए 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट था, और 2,50,000 को हमें 2:1:2 में लेना है, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 50,000, 15:2, 1 लाख रुपीज हमें लेना है राम से, और ऐसे लेना है 50,000 रुपीज श्याम से। मैं ले रहा हूँ 2:1:2 में वापस ले रहा हूँ ना, 2,50,000 को और फिर 1 लाख, और टोटल फॉर्म के पास 250 आ गया, फॉर्म के क्रेडिट में आ गया, राइट। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टेकन बैक करेंगे, किस परसेंट से, 9% से। हमने 9% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना,
तो 9% आप कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख का 9% 27,000, 27,000 आप टेकन बैक कीजिए राम से, राम के डेबिट में, और 3 लाख का, और 1 लाख का 9% 9,000 श्याम से, और 2 लाख का 9% 18,000 मोहन से, टोटल हो गया 27, 27, 54,000 फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा, राइट। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, किस रेट से? एट द रेट 10%। 10% ऑफ व्हाट अमाउंट? 10% ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल इनकी दे रखी है हमारे पास 2, 3, 1 और 2 लाख, 3 लाख का 10%। अब 30,000 देना है, तो 30,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, 1 लाख का 10% और 2 लाख का 10%, 20,000, टोटल आ जाएगा 60,000, ये फॉर्म के डेबिट में आएगा, राइट। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, मतलब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी केवल वो यही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टेकन बैक करके फिर से प्रोवाइड करना, राइट। सो अब यहाँ पर हमें बैलेंसिंग फिगर क्या कैलकुलेट करना है, देखिए फॉर्म का टोटल ऑलवेज हमें इक्वल करना होता है, फॉर्म का टोटल हमें ऑलवेज इक्वल करना है। तो यहाँ पे 250 और 54, 3,04,000, उसमें से 60,000 अगर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, राइट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना बैठेगा? 3,04,000 जो क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसमें से 60,000 अगर मैं लेस कर दूं तो 2,44,000, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, और दिस 2,44,000 विल बी शेयर्ड अमंग राम मोहन, राम श्याम एंड मोहन इन 2:1:2, राइट, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 2,44,000 को अगर मैं एक बार डिवाइड कर दूं 2/5 से, 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 5 25, 5 4 20 होगा 4, 5 8 40 बचेगा 4, 5 8 40 00, 48,800 ये तो जाएगा शाम में, ये शाम को मिलेगा इसलिए क्रेडिट 1 है ना, और मल्टीप्लाई बाय 2 ये जाएगा 96, 97,600 ये जाएगा दोनों के क्रेडिट में, ठीक है। ये प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 97,600, राइट। तो एक तो आपके पास तरीका ये होता है करने का, ठीक है, एक बार टोटल कर लीजिए और फिर जैसे आपकी एंट्रीज आती है, एंट्रीज बनती है वैसे बना दूं। यहाँ का टोटल 3,04,000, 3,04,000 इधर आ गया 1,27,000, 30 और 97 ये आएगा 1,20,000, 1,27,600 ये आएगा 59, और ये बैठेगा 10, 58,800, और इधर आएगा 1,18,000, और इधर बैठेगा 1,17,600, राइट। अब जहां ज्यादा आ रहा है वहां लिख दो, आपका रूल क्या है, इधर 127, इधर 127,600, तो 600 कहाँ ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट में, राम को क्रेडिट कर देंगे 600, जिस साइड ज्यादा आ रहा है उसी साइड लिखना है, राइट। 59,000, 58,800, तो 200 रुपीज कहाँ ज्यादा आ रहा है, शाम के डेबिट में, और इधर कितना ज्यादा आ रहा है 18 और 600, यह आएगा 400 रुपए, 400 रुपए यहाँ ज्यादा आ रहा है डेबिट, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी मोहन डेबिट, श्याम भी डेबिट, और फिर राम क्रेडिट। तो एंट्री विल बी मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, मोहन डेबिट 400 से, फिर सो श्याम भी डेबिट, श्याम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे कैपिटल वर्ड ही लिखा जाएगा 200 से, और टू राम, राम को मिलेगा कितना 600, सो दिस विल बी योर आंसर। नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका केस नंबर वन, ऑल्टरनेट नंबर वन है, राइट। अब मैं इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता था, अब मुझे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, मैं क्या करता डायरेक्टली सिर्फ 1% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रोवाइड कर देता, 1% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देता। हटा दूं एक बार, दिखाऊं मैं आपको कैसे करता मैं उसको, मुझे प्रॉफिट टेकन बैक करने की नीड नहीं थी। देखिए एंट्री सेम बनेगी, इसी का अल्टरनेट नंबर टू, सिर्फ हमने जो बाय मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पे किया है, अब हमें 1% और पे करना है, तो मैं लिखता हूं IOC प्रोवाइडेड एट द रेट 1%। 1% ऑफ व्हाट अमाउंट? 1% ऑफ देयर कैपिटल। सो 3 लाख का 1%, 3,000, 3,000 मुझे देना है,
1000 मुझे देना है, 2000 मुझे देना है, टोटल हो गया 6000, 6000 फर्म के डेबिट में, राइट। ये 6 का, अब मुझे बस क्वेश्चन इतना सही था हमारा। अब हमें फर्म का टोटल इक्वल करना होता है, तो फर्म में 6000 रुपीज का लॉस हो गया। ये लॉस आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की ट्रीट करो, की तरह ट्रीट करो फर्म को। फर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में 6000 गिवन है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड लिखते हैं। तो लॉस ट्रांसफर टू किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स में, इन विच रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। तो 2:1:2 में इसको बांटोगे, 5 1 5, 5 2 10, 1200, 12 2 2400 रुपए, तो इसको डेबिट, 1200 रुपए इसको और 2400 रुपए इसको, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ टोटल 6000, 6000, 2400, 3000, 1200, 1000, 2400, 2000 इक्वल, यहाँ 2400 या 3000, 600 रुपीज राम क्रेडिट, यहाँ 1200 या 1000, 200 रुपीज श्याम डेबिट, यहाँ 400 रुपीज मोहन डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन डेबिट। देखो आंसर दोनों से सेम आया, मैंने प्रॉफिट टेकन बैक नहीं किया तो भी आंसर सेम आया, श्याम अकाउंट डेबिट, राइट, टू राम अकाउंट। तो आपके पास मोहन 400, श्याम 200 और राम 600, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, ये भी एक ऑल्टरनेट हो सकता है, हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। राइट हो गया क्लियर, चलिए जी चले नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को मैं फिलहाल थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सिमरत और बिर वाला इग्नोर करके आगे चलते हैं, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर दिन चाहिए पूरा इसको समझने के लिए, ठीक है। हम लोग आते हैं 61 पे। 61 क्वेश्चन सेज, प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स वॉज पंकज 3000 एंड अनु 1000। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पंकज और अनु दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, पंकज और अनु को हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया बिना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किए। अब कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया, अब कर चार्ज कर लो, पार्टनर्स के डेबिट में, फॉर्म के क्रेडिट में। अमाउंट भी दे रखा है 3000 और 1000, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है। देखो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट बना है, इससे तो मतलब 1 मिनट में हो सकती है वो एंट्री, बताऊं कैसे। देखो आप समझो, मैं अगर आपको ऐसे ही बताऊं, ये पंकज ये अनु दिख रहा है, अब पंकज और अनु से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया, तो 3000 ले लो, 1000 ले लो, माइनस माइनस। अभी अगर आप लोगे तो फर्म के कहां जाएगा, ये पार्टनर से चार्ज करोगे तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा। अब फॉर्म का क्रेडिट मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 4000 रुपए है, अब डेबिट में नहीं आ रहे, तो 4000 को इक्वली, 4000 को बांट दो, 4000 किस रेशो में बटेगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रहे थे ये लोग, तो 2000 रुपए इन दोनों में प्रॉफिट बटता, तो 2000 इसको मिलता, 2000 इसको मिलता। देखो आंसर तो बहुत इजीली आ गया मेरे पास, पंकज से 3 लेने 2 मिल देगा, तो पंकज से 1000 ले लो, और अनु को, अनु से 1000 लेने हैं और 2000 मिलेंगे, तो अनु को 1000 रुपए दे दो, तो एंट्री बनेगी, अनु को देना है तो अनु को कर दो क्रेडिट, पंकज को कर दो डेबिट, पंकज अकाउंट डेबिट टू अनु, 1000 रुपए से एंट्री हो गई। बताओ इतने से पार्ट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसे क्लियरली रिप्रेजेंट करके दिखाना है, हमको कैसे करना है जरा देखिए। हमारे सामने बेटा ये क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से हमें पूरा एक बनाना है और उसी के बाद हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। पास एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट बना करके शो करना होगा, मैंने आपके सामने आंसर लिख दिया, सिर्फ 2 मिनट का आंसर। क्वेश्चन 61, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट फॉर्म का कॉलम, देन पंकज एंड देन अनु, सब में दो दो कॉलम्स, फॉर्म पंकज अनु, राइट, फॉर्म का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। देखिए जी यहाँ पे पर्टिकुलर आ गया, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने चार्ज नहीं किया है डायरेक्टली वो चार्ज करेंगे, आईओडी
चार्ज्ड। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, चार्ज और ये प्रोवाइडेड लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा बेटा 3000 रुपीज, तो इससे चार्ज करना है पंकज के डेबिट में, और 1000 रुपए अनु से चार्ज करना है यहाँ पे इसके डेबिट में, और टोटल 4000 फॉर्म के क्रेडिट में आ गया। राइट, अब हमें क्या करना है, 4000 रुपीज, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फॉर्म का टोटल इक्वल करना है। फॉर्म में 4000, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, भाई फॉर्म में कम आता है तो प्रॉफिट बांटेंगे, और प्रॉफिट का रेशियो क्या, इक्वल इक्वल। तो 2000 रुपए पंकज के क्रेडिट में और अनु के क्रेडिट में टोटल कर दीजिए भाई, ये टोटल हो गया 4000, 4000, 3000, 2000, 1000, 2000। राइट, जहां पे ज्यादा है वहां पे डिफरेंस लिख दो, या 3000 या 2000। पंकज को 1000 रुपए से मुझे डेबिट करना होगा, पंकज से लेना होगा 1000, 1000 अनु के डेबिट में, क्रेडिट में 2000, तो अनु को 1000 रुपए देना होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, पंकज अकाउंट डेबिट टू अनु। देखो ऐसा करने से हमें, जिस बच्चे को ना कॉमन सेंस नहीं है ना, मतलब कॉमन सेंस इन द सेंस कि कैपिटल वाली बात नहीं पता रहती है कि भैया हम लोग जब किसी से कैपिटल लेंगे तो उसे डेबिट करेंगे, और देंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट वाला पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होना है। तो इस हमारे केस में पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 1000 से, और अनु का कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 1000 से। राइट, सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों इसका, देखो दिस इज शॉर्टकट ट्रिक, अगर आप चाहें तो इसे लिख दीजिए, ये शॉर्टकट है, चेक कर सकते हो आप ऐसा करके किसी क्वेश्चन को। राइट, स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई डाउट? 61 मैंने अभी इग्नोर करवाया है, वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। 62 क्वेश्चन सेज, राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स, राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तीन पार्टनर्स हैं राम मोहन और सोहन, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है, 2:1:1। क्वेश्चन सेज, राम विड्रॉ 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रॉ 4000 एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम वॉज चार्ज्ड, वेयर इज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताओ, देखो इन्होंने क्या बोला, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ली इनसे, कितनी, 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही नहीं है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो हमने पढ़ा ना, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो हम आ गए ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, अब ये कनेक्ट कर रहा है हमारे को फर्स्ट टॉपिक से, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से। सो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात नहीं लिखी, तो वी विल नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स। राइट, वी नो दैट। सो अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया है, हमें उसे रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। सो इस केस में आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको वर्किंग क्लियरली बताना है और आपको नेसेसरी एंट्री पास करनी है। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, पहले आपको उसका शॉर्टकट ट्रिक से आंसर बता देंगे, फिर उसके बाद हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक यहां चलने देते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 यहां पे शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं मैं आपको कि इसका आंसर क्या बैठना है। राम मोहन और सोहन तीन पार्टनर्स हैं, देखिए यहां पे आ गया राम मोहन सोहन। देखो ये बिल्कुल जनरल सेंस में बात हो रही है, शॉर्टकट ट्रिक में यहां कोई रूल नहीं अप्लाई हो रहा है। राइट, देखिएगा यहाँ लिखा है राम मोहन और सोहन से हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब आपके सामने सबसे बड़ी बात, सर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया? देखो क्वेश्चन ने तो ये बता दिया कि 3000 रुपए राम ने निकाले हर मंथ के और श्याम ने निकाले, ठीक है, राम ने निकाले पर मंथ के 3000 और श्याम ने मोहन ने निकाले 4000 रुपए। सर इन्होंने ये तो बताया नहीं, बिगिनिंग में निकाला, मिड में निकाला या एंड में निकाला? तो बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। देखो डेट नहीं बताई, बताया मंथली निकाला है, मैं मल्टीप्लाई 12 से करके इसका एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट मैं कितने मंथ का करूंगा, एवरेज मंथ कैसे निकालूंगा जब क्वेश्चन ने डेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं बताई। तो हमने वो भी पढ़ा है, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड एट
सिक्स मंथ एवरेज, 6 महीने का एवरेज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, राइट। तो आइए जरा, तो हम लोग चलते हैं पहले तो 6 महीने का पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लें राम और मोहन का। देखिए राम मोहन, राम का बनता है, राम ने निकाला 3000 रुपए इंटू 12, इसने निकाला 4000 इंटू 12, राइट। दोनों को देखिए एक बार, देखना थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे मैं दोनों का, राम और मोहन का आपको निकाल करके बताता हूँ इसका इंटरेस्ट कितना आएगा। देखिएगा राम का निकलेगा 3000 इंटू 12, राम का 4000, मोहन का 4000 इंटू 12, इन्होंने दोनों ने 12-12 महीने के लिए पैसा निकाला ना, इंटू रेट क्या है 6%, इंटू 6% इंटू कितने मंथ का 6 बाय 12, मैं कट करके बता देता हूँ आपको, 6 2 12, 2 से कटा 3 टाइम, 3 0 से इजियर 90, 12 90 इंटू 12, 12 90 108, 1080 रुपीज इसका इंटरेस्ट हो गया, 6 2 12, 2 से कटा 3 टाइम, 2 0 से 2 0 कटा, 6 2 12, 2 से कटा 3 टाइम, 2 0 से 2 0 कटा, ठीक है, 14 into 3 120 120 into 40, 12 4 48, इतना इसका इंटरेस्ट बनता है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3000 का 12, 6 by 12, 6 2 12, 2 से कटा 3 टाइम, 2 0 से 2 0 कटे, 3 3 90 90 into 12 90 into 12, और यहाँ आएगा, वेट करना बच्चा मैं बता रहा हूँ, 6 2 12, और ये 2 कटा 3 टाइम, 2 0 से 2 0 कटे, 120 into 12, यहाँ पे 12 करूँ ना, है ना, 1440 होगा, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बैठता है जो हमें राम और मोहन से चार्ज करना है, सॉरी हमें राम और मोहन को देना है या नहीं देना है, राम और मोहन को बाय मिस्टेक हमने चार्ज कर लिया, हमें वापस देना है, है ना। तो देखिए राम को हमें देना है वापस 1080 और मोहन को देना है 1440, ये देना है हमें, समझो इनसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया है, अब हमें वापस देना है, सुधारेंगे तो वापस देंगे, तो इनको देना है। अब ये जो टोटल होगा कितना होगा, टोटल 1024 2400 2520, 2520, ये 2520 रुपए जब आप दोनों पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स पेनल अप्रोप्रिएशन के तो डेबिट में आएगा, मतलब फॉर्म के डेबिट में, तो बाकी के क्रेडिट में, अब ये क्रेडिट इक्वल हो करने के लिए क्रेडिट में 2520 लिखेंगे, ये होगा लॉस, इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में आप ले लेंगे, तीनों पार्टनर से ले लेंगे, किस रेशो में, 2:1:1 में, ये लॉस जो होगा 2:1:1 में जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 4 4 6 12 6 13 2 1260 राम से लेना है, 630 मोहन से लेना है, और 630 ही सोहन से लेना है, बताओ अब इसका नेट इफेक्ट क्या बनेगा, वही आपका आंसर आएगा। देखो 1080 देना है, 1260 लेना है, तो नेट कितना लेना है, 2280 रुपए से लेना है, मतलब माइनस राम को करना होगा डेबिट, 1440 देना है और 630 लेना है, 700 हटा दो, 740 और 70 810 इसे देना पड़ेगा, प्लस कर देंगे, और इसे 630 लेना है, दोनों का टोटल मार लो आप, मैच होगा 630 और 280, 6 और 2 8 910 आएगा, ये 910 आएगा, राइट। तो ये आपका आंसर बैठने वाला है भाई इसका, ठीक है, 810 ही आ रहा है, ये 180 आ रहा है, सॉरी ये 180 आ रहा है, ये 810 ही आ रहा है, राइट, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है जिसके थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग तरीके से सॉल्व करें, तरीके से सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात भी आप अपने पास नोट कर लेना, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, राम का आईओडी 1080 और श्याम का आईओडी 1440 आया हमारा, राइट। देखिएगा इसे हटाते हैं, अब आइए जरा क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट हमें लिखना है, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं पहले फॉर्म का कॉलम, फिर राम मोहन और राम मोहन और सोहन, फॉर्म राम मोहन सोहन, डेबिट क्रेडिट के कॉलम बना लो सभी जगह, ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टेकन बैक, या इंटरेस्ट ऑन गोइंग, अब टेकन बैक थोड़ी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हमने चार्ज कर रखी है, यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस किस से चार्ज किया, राम और श्याम से, तो राम से चार्ज किया है मतलब राम को किया था डेबिट, अब कर दो क्रेडिट, कितने रुपए से, 1080, और सोहन से 1440, राइट। सोहन था, मोहन था, एक सेकंड बैठा ना, यहाँ पे हो सकता है फिर मैंने शॉर्टकट में मिस्टेक कर दी, राम मोहन है और मोहन है, राइट राइट, राम और मोहन, यहाँ पे सोहन लिख दिया मैंने, मोहन है, मोहन, तो ये मोहन को हमें वापस से देना है 1440, क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ना बेटा, राम और मोहनी है, यस। अब इसके बाद ये दोनों का टोटल होता है 2520, 2520 फर्म क्या जाएगा, डेबिट में, ठीक है। अब हमें फर्म को करना होता है इक्वल, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो बाय मिस्टेक चार्ज कर लिया था, अब वापस रिवर्स कर दिया हमने, अब हमारे फर्म को इक्वल करना है, तो फर्म में 2520 रुपीज, ये जो है वो बैलेंसिंग फिगर लॉस बैठ रहा है, तो लॉस ट्रांसफर टू, अब लॉस जो मैं ट्रांसफर करूंगा किस रेशो में करूंगा, यहां पे लिखा है रेशो 2:1:1, तो 2:1:1 जब मैंने किया तो 4 से कट किया, 4 6 24, 4 3 6 30 into 2, 1260 मुझे लेना है राम से, 630 इससे और 630 इससे, डेबिट डेबिट, राइट। अब कर दो टोटल 25 20 25 20 1260 1080 630 1440 630, और यहाँ डैश, ये दोनों इक्वल, इन दोनों के बीच का गैप यहाँ पे 180 ज्यादा, तो 180 राम डेबिट, यहाँ पे 630 और 1440, यहाँ पे 810 मोहन को क्रेडिट करना है, और यहाँ 630 या कुछ नहीं, तो यहाँ 630 कहाँ ज्यादा है, डेबिट में ज्यादा, तो 630 डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे ये वाला राम और मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हटानी है, फिर एंट्री पास कर रहे, हटा दे, देखिएगा आपकी एंट्री बनती है बेटा, राम को कर दो डेबिट, राम का कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट 180, टू राम को भी डेबिट करेंगे और सोहन को भी डेबिट करेंगे, सोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट 630, टू मोहन, राइट, ये आ गया 810, दिस विल बी योर आंसर, राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके होमवर्क होने वाले हैं बेटा 63 से लेकर के, अभी मैंने आपको 61 नहीं करवाया, एक 61 हम कल करेंगे, 63 64, जितने हो पाए उसमें से वो कल करेंगे, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे 61 वाले क्वेश्चंस, राइट। सो आज की क्लास में बेटा यहीं तक, ये तीन क्वेश्चंस हमने देखे सॉल्व किए, अगर आप कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ लो।